आज हमारे देश की वर्कफोर्स में 10,60,000 स्किल मैन पावर की इंक्रीज हुई है, सर्टिफाइड स्किल मैन पावर की इंक्रीज हुई है। आप सभी को आपकी नई जिंदगी के लिए अनेक अनेक शुभेच्छा। मित्रों, मैं बहुत दिनों से एक आर्किटेक्ट, जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉर्मलाइज किया गया है, अगले साल से 6th स्टैंडर्ड में नया टेक्स्ट बुक आएगा। अभी बाल वाटिका 1, 2, 3, क्लास 1 और 2, ये फाउंडेशनल कोहर्ट की 5 साल की टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन चुकी है। इस साल उसको पढ़ाई किया जा रहा है। अगले साल क्लास 3 से लेकर 12 तक, ये जो 10 साल है, 10 साल में से हमारी कोशिश रहेगी 3, 4 और 5, 6, 7, फिर 10, 9, 9, 6, 9, 11, 7 की भी थोड़ा हम बात एम्बिशियस हो रहे हैं। चलो अभी सेक्रेटरी कहा है 6, तो 6 ही मान लेता हूं मैं। तो 3, 4, 5, 6, 9, 11, 6 क्लास के, यानी 10 में से 6 क्लास की नया किताब आ जाएगा। मैं किताबों के बारे में इसीलिए यहां उल्लेख कर रहा हूं। एनईपी ने रेकमेंड किया है क्लास 6 से अनुवाद, क्लास 6 से आगे स्किलिंग को पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है। यह सिर्फ 12 में अटकेगी नहीं। अभी आईटीआई की हमारे कलसी जी हैं, सेक्रेटरी तिवारी हैं, हमारी डीजीटी मैडम हैं, इन सभी की प्रचेष्टा चल रही है इमर्जिंग एरिया में। इमर्जिंग एरिया यानी क्या? सेमीकंडक्टर की जो स्किल मैन पावर लगेगी, देश में बिलियंस ऑफ वर्थ की सेमीकंडक्टर की दुनिया बन रही है। अभी एक बच्ची ने ड्रोन के बारे में अपना अनुभव कहा। इस बार 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले दिनों में 15,000 महिलाओं को भारत सरकार ड्रोन देगी खेती के लिए, खेतों में प्रिसिशन एग्रीकल्चर के लिए, पॉइंटेड एग्रीकल्चर के लिए, यानी सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो, पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो और अदर प्रकार की सुपरविजन हो, उसके लिए ड्रोन की यूज किया जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। डिजिटलाइजेशन की एक नई दुनिया बन रही है भारत में। सर्विस इंडस्ट्री में कई कई नए आयाम जुड़ रहा है। एक बहन ने अभी, मैंने उनको जब वो लिया सर्टिफिकेट हमसे, उनको मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे थे। मैं हाउसवाइफ था, वो बहन कहती है, मैं अपने मैक्स हॉस्पिटल में 15 महीने की अप्रेंटिसशिप लिया। अप्रेंटिसशिप लेते हुए भारत सरकार की पैसा मेरे को डीबीटी में उनको मिला होगा और मैक्स हॉस्पिटल वालों ने कुछ दिया होगा। लेकिन आज वो क्या कर रही है, मैक्स हॉस्पिटल में 15,000 रुपया महीने की तनख्वाह में अपने रोजी रोटी कमा रही है। यह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मित्रों, दुनिया की जो आवश्यकता है मैनपावर की, स्किल मैनपावर की, इसकी
सप्लाई चेन भारत से हो रहा है। आपने देखा अभी हमारी त्रिपुरा का बीएससी नर्सिंग किया हुआ नौजवान जापानीज लैंग्वेज सीख के 2,20,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह पे, वो पूरा बात बताया नहीं होगा, वहां हाउसिंग भी उसको मिल रहा होगा, उसके और अलाउंस मिलेगा और नेट प्रॉफिट उसको अपना कितना भी खर्चा करे 1-1.5 लाख रुपया तो त्रिपुरा गांव में भेज सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए ऐसे इमर्जिंग एरिया में एनसीबीटी ने हमें वचन दिया है नई कोर्स बनाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 साल होगा। ऐसे ही AICT का तो अभी डिप्लोमा 3 साल का है, ये भी एक स्किल डेवलपमेंट है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।